पहले अभी तक मैंने YouTube बनाने के और अपलोड करने के और उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल, कवर पेज, ये सब डिज़ाइन करने का और एडिट करने का तो मैंने बता दिया है। बचा है सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें जो कि आपको शायद नहीं मालूम होगा। फर्स्ट है कौन सा, सोचो। नहीं सोच रहे हो, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। मैं आपको, पहला है हमारा आई बटन। जैसे कि कोई भी बोलता है यूट्यूबर, या फिर मैं ही बोलता हूँ हमेशा, कि आई बटन पर क्लिक करे और वहाँ से वीडियो को कनेक्ट करे। तो इस आई बटन को कैसे ऐड करना है, उसके बाद में है एंड स्क्रीन। जैसे हमारा वीडियोस ख़त्म होता है, उसके लास्ट में दो वीडियोस आते हैं, या फिर एक एक वीडियो और एक चैनल आता है, या फिर चार वीडियोस आते हैं, या फिर तीन वीडियोस आते हैं, या तीन वीडियोस आता है, एक चैनल आता है। इस तरह से आप भी ला सकते हो अपने चैनल के लास्ट, वीडियो के लास्ट में। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, सोचो, तीसरी चीज़ है कैप्शन। कैप्शन जिसको सीसी भी कहते हैं, या फिर सब टाइटल भी कहते हैं। तो सब टाइटल कैसे ऐड कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज का सब टाइटल दो दो मिनट में नहीं, वीडियोस अपलोड होने के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आप अपने वीडियोस पे सब टाइटल ऐड कर सकते हो। प्लस में आपका वीडियोस एक लैंग्वेज में होनी चाहिए, या फिर हिंदी में हो तो हिंदी में ही होनी चाहिए, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में ही होनी चाहिए। तो उस तरह से आप सब टाइटल ऐड करने में बिल्कुल इजीली ऐड कर पाओगे, जिस तरह से मैं तरीका आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ले चल के समझाते हैं। उससे पहले मैं आपको समझा दूँ आई बटन होता क्या है। आई बटन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि जैसे हमारा वीडियोस चल रहा है, तो वीडियोस में ही मैं आपको वहाँ पर रिकमेंड कर सकता हूँ कि वीडियोस वहाँ आई बटन पे क्लिक करो तो डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुँच जाओगे। जैसे कि मैं कुछ बता रहा हूँ किसी और टॉपिक के बारे में, आपको उसमें, उससे पहले आपको दूसरी, जिस टॉपिक के मैं बारे में बता रहा हूँ उसमें एक चीज़ बताया जो आपको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आपको आई बटन पे भेज रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से जाकर आप समझ के आओ, फिर ये वीडियो देखना, तभी आगे समझ में आएगी। ऐसे के लिए आई बटन बहुत काम आता है। अब बाकी एंड स्क्रीन है। एंड स्क्रीन उस काम के लिए आता है, जैसे हमारा ये पहला एपिसोड है, इसका दूसरा भी एपिसोड आएगा, तो दूसरे एपिसोड दूसरे नाम से अगर रिलीज़ कर दिया तो उसको लाने के लिए मैं वहाँ एंड स्क्रीन पर डाल सकता हूँ। एंड स्क्रीन पर जैसे मैं डालूँगा तो वहाँ से उसको क्या कर सकते हो, आप विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो वीडियोस को। रिकमेंडेड जिसको बोलते हैं ना, वो लास्ट वाले पे आता है। और बाकी सबटाइटल तो आपको शायद मालूम ही होगा, जैसे हमारा तेलुगु मूवीज़ जो आती है, स्टार्टिंग में अगर डब नहीं आती है हिंदी में तो क्या करते हैं, उसके सबटाइटल के साथ देखते हैं। तो वही सबटाइटल हमारा, सबटाइटल हमारे वीडियोस को अदर लैंग्वेज में समझने में हेल्प करती है। ओके, चलिए दोस्तों, तो हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर या फिर अपना मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आपको पूरी डिटेल में समझाते हैं। लेट्स गो। रेजा फाइंड आउट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं उस बेल आइकन को भी। सिंपल है दोस्तों, आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में जाओगे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल इसमें खोलना है, ठीक है। तो अपना यूट्यूब चैनल यहाँ से भी खोल लो, और चाहे तो यहाँ पर भी आपका होम स्क्रीन पे हो सकता है आए, और नहीं आए तो भी आपको मैं बता ही दिया हूँ कहाँ से खोलना है। और खोलने के बाद यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, इसे कंप्यूटर वाला टैब ऑन कर देना है, या फिर कंप्यूटर में रहोगे तो कुछ ऐसा ही खुलेगा पहले से ही आपको। ओके, तो आगे अब बात को समझो, बात की बतंगड़ मत बनाओ। आप यहाँ पर टैप करना है जहाँ आपका ये है, इसे मैं जूम करके ही समझा देता हूँ आपको। ये जूम तो हो ही नहीं रहा अभी, पता नहीं क्यों। ओके, यहाँ पर आपको टैप करना है, और यहाँ
योर चैनल का ऑप्शन आएगा, यानी कि अपना हमारा चैनल। और यहाँ आने के बाद आपको वीडियोस ऑडियोस सारी आपको दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हम अपने वीडियोस पे क्लिक करेंगे। वीडियोस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज वीडियोस पे आप अगर क्लिक करते हो तो वीडियोस को मैनेज जहाँ पर आप कर रहे हो वहाँ पर चले जाओगे। तो यहाँ से नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है, इस पर फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है। ये एक नई ट्रिक्स है जो कि आपको सबको नहीं मालूम होगी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक स्टूडियो खुलेगा। स्टूडियोज़ को खुलने देते हैं पूरा। तो यहाँ पर हमारा स्टूडियोज़ खुल चुका है। तो यहाँ पर हम इस पर टैप करेंगे, यहाँ से नीचे सेकंड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर कंटेंट का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही हम कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर सारा लाइन बाय लाइन से सारे कंटेंट आने लगेंगे। तो यहाँ पर हमें किसी भी एक वीडियोज़ के यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही पेंसिल वाले आइकन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इधर स्वाइप करना है, ठीक है। इधर स्वाइप करोगे तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, सबटाइटल का, इंड स्क्रीन का और ई कार्ड का। तो यहाँ पर हम ई कार्ड ऐड करते हैं यहाँ पे। तो ई कार्ड ऐड करने के लिए यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और जूम आउट इसको पहले कर देना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अगर वीडियोज़ रखना चाहते हो और किस स्टेप पर रखना चाहते हो, इसको यहाँ ऐसे मूव करके भी अपना रख सकते हो। जैसे कि हमारा एक वीडियो था, यहाँ ये आया था, इसे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और इस पर टैप करेंगे तो हमारा क्या होगा, यही वीडियो यहाँ पर शो आ जाएगा। देखो यहाँ जैसे मैं हाथ लेकर जाऊँगा ऐसे यूट्यूब चैनल बनता है। इधर थोड़ा पीछे करता हूँ और यहाँ पहला वीडियो हमारा है कि ईमेल आईडी कैसे बनाए जो जिससे यूट्यूब चैनल बनता है। फिर दूसरा है आप भी अपना एक नया बटन शो कर सकते हो। उसके बाद में हम इंड स्क्रीन की बात करते हैं। इंड स्क्रीन से होता क्या है, एक्चुअली इंड स्क्रीन है तो यहाँ पर इस पर टैप कर देते हैं एक पे। तो यहाँ जैसे ही हमारा ये वीडियो यहाँ तक आएगा तो ये हमारा इंड स्क्रीन यहाँ शो होना शो होने लगेगा। यहाँ पर देख पाओगे आप इस तरह से इधर शो होने लगेगा यहाँ पर। इसको भी सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब सबटाइटल की बात है। तो सबटाइटल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख पाओगे कि मैंने सबटाइटल पहले ही लगा रखा है। तो इस तरह से सबटाइटल आप लगा कर जैसे ही यहाँ पर आओगे तो ये ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा और इसे डन कर देना है। डन करते ही आपका सबटाइटल अप्लाई हो जाएगा। तो अब दोस्तों यही वीडियो हम YouTube पे प्ले करके दिखाते हैं आपको। एक मिनट, यहाँ से बैक करेंगे और YouTube पे हम इस वीडियो को प्ले करते हैं यहीं से चल के, ठीक है। रेजा फाइंड आउट YouTube चैनल देख पाओगे यहाँ पर हमारा सब्सक्राइबर यूट्यूबर का एक सीरीज चल रहा है कि पहला वीडियो हमारा है कि ईमेल आईडी कैसे बनाए जो जिससे यूट्यूब चैनल बनता है। फिर दूसरा है अपना एक नया यूट्यूब चैनल कैसे बनाए वो भी यूनिक नेम के साथ, ठीक है, रहती है, आने ही वाली है। तो वहाँ पर जाकर आप पूरा वीडियो को देखकर और अपनी नॉलेज को बढ़ाए अपने वीडियोस को बना सकते हो। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय। तो दोस्तों वीडियोस हमारी कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और YouTube के सीरीज़ की इसमें प्लेलिस्ट दी गई है जो कि लास्ट के इंड स्क्रीन में बताया जाएगा। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप पीछे का भी वीडियोस सारे वॉच कर सकते हो। अब मिलेंगे दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।